हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर लास्ट यूनिट बची है एमसीक्यू की और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम है, तो आ चुकी है लास्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जिसका नाम है उसके एमसीक्यू की वीडियो। तो देखिए, आज हम वीडियोज में सारा का सारा पूरा चैप्टर कराने वाले हैं। इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, बहुत ही जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पे बहुत कम है। तो देखिए, ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो बहुत सारी थ्योरम है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको सारों को मैंने एक तरफ लिखा है, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की। सपोज एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व सी हैविंग अ फाइनाइट लेंथ। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल किसे कहते हैं, माना कि कोई कर्व है इस तरीके से, जेड इक्वल टू ए से लेकर जेड इक्वल टू बी तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक ये कर्व है। तो बोल रहा है कि सपोज एफ जेड कंटिन्यूअस, ऐसा कंटिन्यूअस कर्व है एवरी पॉइंट ऑफ, ठीक, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड या इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग कर्व सी, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, मतलब फंक्शन का लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व सी, इस सी के अलोंग, ठीक। तो केवल लाइन इंटीग्रल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, वो हम बाद में करेंगे कि इसकी एक रूल होता है वो कैसे, ठीक। इन केस क्लोज्ड पाथ, अगर ये पाथ क्लोज्ड हो जाए, ऐसे बंद हो जाए, तो द पॉजिटिव डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, द इंटीग्रल अलोंग सी इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल। मतलब अगर ये बंद हो जाए तो एक जो क्लोज्ड कर्व बन जाएगा, एक पूरा बंद बंद एरिया बन जाएगा, उसे बोलते हैं कंटूर, ठीक है नी। ये बात ध्यान रखनी है। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कॉची थ्योरम का। क्या होती है कॉची थ्योरम, बस इतना ध्यान रखना है। कॉची थ्योरम क्या है, प्रूफ नहीं करा रहे हैं, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड, मतलब फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और जितने भी अंदर के पॉइंट्स हैं उनमें, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, और उसके पास एक क्लोज्ड कंटूर सी होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर कोई कॉची थ्योरम बोलती है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि किसी, ये एक आपका क्लोज्ड कंटूर है या आपका क्लोज्ड कंटूर सी है और फंक्शन इसके अंदर के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है, देन एफ जेड डी जेड अलोंग दिस कर्व सी, मतलब इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। समझ चुके हैं बात को, फंक्शन इस क्लोज्ड कर्व के अंदर एनालिटिक हो, ठीक, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये थी कॉची थ्योरम। इसके बाद पढ़ लेते हैं एक्सटेंशन थ्योरम। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कॉची एक्सटेंशन का मतलब इसी का एक रूप है, ठीक। क्या होता है, लेट क्लोज्ड कंटूर सी कंटेन अनदर क्लोज्ड कंटूर सी वन। मान लिया इसके अंदर एक और सी वन है, मैंने एक छोटा सा ले लिया सी वन, ठीक, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। लेट एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट लाई इन रिंग शेप, मतलब किसकी बात करें, इन पे जो अंदर का भाग बचा, ये तो खाली है, तो ये इस वाले और इस वाले के बीच में जो एरिया है जहां मैं डॉटेड कर रहा हूं, वहां पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। लिखा है एफ जेड इज एनालिटिक एवरी पॉइंट लाइन इन द रिंग शेप, रिंग शेप, या मैंने यहां भी बना रखा, ये रिंग शेप है यहां पर जहां पर है, ठीक। इसमें अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो देन तो अलोंग जो सी, बाहर का जो कर्व है उसका जो इंटीग्रेशन होगा और अंदर के कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन जो होगा, वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि बाहर का जो क्लोज्ड कर्व सी है उसके अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन, और अंदर का जो अगर अनदर कर्व कोई है उसके अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये एक्सटेंशन है, ठीक। आगे देख लेते हैं, इसमें और भी बहुत सारी बातें बताई हैं हमने। एन अपर बाउंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल इफ अ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन अ कंटूर सी, मतलब एक अपर बाउंड है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में और फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस है किसी क्या कर्व सी में, जो कितने लेंथ का है, एल लेंथ का है। एंड इफ एम वी अपर बाउंड, अपर बाउंड भी बता दिया वो है एम, अपर बाउंड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक है, अभी फिलहाल इतना ऐसी समझेंगे। ज्यादा मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऐसे कहते नहीं है, अपर बाउंड ऐसा लीस्ट मतलब ऐसा नंबर होता है जिससे सारे नंबर छोटे होते हैं, ठीक है, नहीं लीस्ट नहीं कहेंगे, ठीक। इफ एफ एम बी अ अपर बाउंड ऑफ दैट फंक्शन एफ जेड ऑन सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड का मॉड जो होगा वो लेस देन होगा एम इंटू एल, मतलब उसकी लेंथ और अपर बाउंड के प्रोडक्ट से कम होगा। इसे एम एल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, अब यहां से तो क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं, भर भर के जिसे बोलते हैं। बिल्कुल, क्या है, एक तो आपका कॉची फॉर्मूला, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एनालिटिक है क्लोज्ड कर्व जो ये है हमारा सी, उसके अंदर भी और उसकी बाउंड्री पॉइंट पे भी। विद इन का मतलब अंदर और ऑन मतलब बाउंड्री पॉइंट्स पर। एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, मतलब इस सी के अंदर ए कोई पॉइंट है, देन तब तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि फंक्शन अंदर या बाउंड्री पॉइंट दोनों पर एनालिटिक होना चाहिए और ए कोई पॉइंट होना चाहिए, देन फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 πi इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक। ये फंक्शन की किस भी ये फंक्शन की ए पॉइंट पे वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, देखिए यहां पर इसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के लिए भी बिल्कुल वही चीज है कि इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है अंदर और उस क्लोज्ड कर्व पे एंड ए इज एनी पॉइंट जैसा मैंने अभी बताया, देन डेरिवेटिव उस पॉइंट पे वैल्यू जो क्या देगा, मतलब एफ डैश ए क्या होगी वैल्यू 1/2 πi इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब देखिए इसी तरीके से हायर डेरिवेटिव के लिए भी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसमें एन फैक्टोरियल अपॉन 2 πi इंटीग्रेशन और एन प्लस वन, मतलब आप ये देख रहे होंगे, देखिए जब कोई भी डेरिवेटिव, मतलब आप ये देख रहे होंगे जब कोई भी डेरिवेटिव नहीं था तो कोई भी पावर नहीं थी, मतलब या बोल सकते हैं एक पावर थी जब कोई भी डेरिवेटिव नहीं था, या जीरो डेरिवेटिव तक तो एक पावर थी, एक डेरिवेटिव था तो दो पावर थी। तो देखिए जितने डेरिवेटिव उससे एक ज्यादा पावर, तो एन डेरिवेटिव तो एन प्लस वन पावर, तो इस पावर का गेम होने वाला है क्वेश्चन पे। इसके आगे है कॉची इनइक्वालिटी। तो देखिए इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एन ऑन अ सर्कल सी देन जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, ये क्या है ध्यान दीजिए, फंक्शन एनालिटिक है किसमें, किसी सर्कल के अंदर भी और सर्कल की बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक है। मतलब अब कर्व को क्या बना दिया, एक सर्कल, और कैसा सर्कल है, देखिए ये सर्कल की इक्वेशन है जेड माइनस ए, इसे पॉइंट बोलते हैं हम, किसको, इसको पॉइंट बोलते हैं और इसे रेडियस बोलते हैं, एंड फंक्शन बाउंडेड है किससे, बाय एम से, देन फॉर एवरी जेड ऑन सी, देन जो डेरिवेटिव का मॉड होगा, डेरिवेटिव बाउंड होगा किससे, एम एन फैक्टोरियल अपॉन आर की पावर एम से, एन से, कॉची इनइक्वालिटी के अंदर ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रल फंक्शन या एंटायर फंक्शन किसे कहते हैं, यहां से भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, केवल डेफिनेशन है, किसे कहते हैं, अ फंक्शन एफ जेड इज कॉल एन इंटीग्रल फंक्शन, किसी फंक्शन को इंटीग्रल फंक्शन कहा जाता है या एंटायर फंक्शन कहा जाता है इफ इट इज एनालिटिक, या कब कहा जाता है, यदि वह एनालिटिक हो इन एवरी फाइनाइट रीजन, मतलब कि फंक्शन एनालिटिक हो हर एक रीजन में, मतलब हर जगह एनालिटिक होगा अगर फंक्शन, तो उसको बोलेंगे एंटायर फंक्शन, हर जगह एनालिटिक, ठीक। तो आगे देखेंगे, आगे है लोबेल्यू थ्योरम। इसमें क्या है, इफ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, अगर फंक्शन जो हमारा एंटायर फंक्शन है मतलब हर जगह एनालिटिक अगर फंक्शन है वो बाउंडेड होता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, अगर हर एक वैल्यू के लिए बाउंडेड है, देन इट इज कॉन्स्टेंट, फिर वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। स्टेटमेंट ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट एक तरीके से नहीं तीन तरीके से पूछ सकता है, क्या, इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, ये बात वही है एंटायर की बात कर रहा, ठीक, एंड इज बाउंडेड, और बाउंडेड है, देन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट,
तो सेम बात है यहां पर, एंटायर बोला और यहां खोल के बता दी बात। इस वाले पॉइंट्स को भी ध्यान देना है, इफ एफ इज रेगुलर इन होल जेड प्लेन, मतलब रेगुलर का मतलब एनालिटिक ही होता है। बात देखिए, तीनों बात सेम थी पर कहने के तरीके अलग थे, कि फंक्शन रेगुलर है पूरे होल जेड प्लेन में, मतलब जेड के हर एक बिंदु पे एनालिटिक है एंड बाउंडेड है। बाउंडेड देखिए, फंक्शन बाउंडेड है इस नंबर से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी कर लो मैक्सिमम वैल्यू की आएगी हर एक जेड में, देन फंक्शन मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं लास्ट थिंग, टेलर थ्योरम क्या है। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सर्कल एंड विद इट्स सेंटर जेड इक्वल टू ए एंड रेडियस कैपिटल आर, ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन है, देन एट एवरी पॉइंट जेड इन साइड सी एफ जेड इस तरीके से समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, वेयर ए एन इज एनथ डेरिवेटिव एट पॉइंट ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ये टेलर की थ्योरम है। प्रूफ हम यहां कराने नहीं वाले, क्वेश्चन हम यहां इसके बेस में होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज थोड़ा लेक्चर फास्ट मोड पे चलने वाला है, तो देखिए टाइम बहुत कम है हमारे पास, आप लोगों को पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो आगे चलते हैं। देखिए अच्छे तरीके से पेपर करना है, तो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमसीक्यू बीएससी 6M, टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ सी इज क्लोज्ड कंटूर। हमने बोला कि यदि सी कोई क्लोज्ड कंटूर है, क्लोज्ड कंटूर मतलब मैंने बोला था क्लोज्ड कर्व, ठीक, एन नॉट इक्वल टू -1, देन एफ जेड एन डी जेड, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है, मैंने बताया था कॉची थ्योरम, बाय कॉची थ्योरम मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, एक एक करते हुए चलेंगे आप डायरेक्ट फटाफट। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है हमारा, देखिए क्लोज्ड कंटूर दिया है और फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो बाय कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम कह सकते हैं क्या, कि किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन क्या हो जाता है फंक्शन का। देखिए फंक्शन जेड की पावर एन पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो क्लोज्ड कर्व के अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो बाय कॉची थ्योरम। तो इसका ऑप्शन कौन सा स्टार्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आएंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है हमारा आज, इफ फंक्शन दिया है, फंक्शन उतार लेते हैं, एफ जेड हमें गिवन है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2। मेरी बात ध्यान रखना, हम एनालिटिक जब चेक करते हैं कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, चलिए पहले आगे भी पढ़ लेते हैं, एंड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 एट सेंटर ओरिजिन। तो किस क्या बोल रहा है, एक सर्कल की बात कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो आई होप इस तरीके का सर्कल बनेगा, ये यहां पर 0,1 हो जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा, इस तरीके से सर्कल बनेगा। तो वो बोल रहा है ये सर्कल है, ठीक, और फंक्शन ये है, तो ये बताना है इसका वैल्यू। तो देखिए क्लोज्ड कर्व है, बट आप यहां देख रहे होंगे कि जेड इक्वल टू 2 पे वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। हमने ऑब्जर्व किया फंक्शन एनालिटिक नहीं है, कहां, जेड इक्वल टू 2 पे, एट जेड इक्वल टू 2। भाई कैसे पता लगाया सर आपने, भाई देखिए जेड इक्वल टू 2 रखने पर यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और 2 कहां होगा, 2 सर इससे बाहर होगा, तो बाहर के पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर तो है। तो देखेंगे, सो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक इन इनसाइड, किसके इनसाइड, सर्कल के इनसाइड फंक्शन एनालिटिक है। तो कॉची थ्योरम से क्या हो रहा था, बाय कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम ने क्या बोला कि फंक्शन
किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर एनालिटिक होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट जीरो। तो आपने देखा क्लोज्ड कर्व है भाई, सर्कल भी एक क्लोज्ड है बिल्कुल, और एनालिटिक ये कहां नहीं था, बाहर नहीं था, पर अंदर तो एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ जेड डी जेड एंड क्लोज कर्व सी या सर्कल सी इज इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्ट आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर वन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। इन द अबव क्वेश्चन नंबर टू, मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है, वी हैव रेडियस थ्री एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब की बार इसने रेडियस चेंज कर दी, देन तब एन फंक्शन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए अब की बार क्वेश्चन नंबर थ्री की मैं बात कर रहा हूं, अब की बार इसने क्या करा, इसने सर ये दायरा बढ़ा दिया, ये थ्री कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा थ्री, ठीक। अब दायरा बढ़ा दिया, सेंटर वही है जीरो, ठीक। अब आप जरा यहां ध्यान दीजिए, सेंटर जीरो, फंक्शन यही है, हमें पता था फंक्शन क्या है, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू टू। टू पे एनालिटिक नहीं, और टू कहां होगा, देखिए टू जेड इक्वल टू टू यही तो होगा, जेड इक्वल टू टू, टू कॉमा जीरो बोलते हैं इसे। इसमें फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, मतलब क्लोज्ड कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ध्यान देंगे। एनालिटिक कैसे नहीं है कह रहे हैं, क्योंकि टू रखने पे इसकी वैल्यू इनफाइनिट, डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो कॉची थ्योरम तो लग ही नहीं सकती, मतलब इसका इंटीग्रेशन जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक नहीं है तो कॉची थ्योरम के हिसाब से ये जीरो नहीं होगा, समझे कैसे, क्योंकि कॉची जो थ्योरम है वो होल्ड ही नहीं कर रहा, कोचिंग थ्योरम के अनुसार अंदर का इंटीग्रेशन जीरो आ जाता अगर ये एनालिटिक हो जाता अंदर हर एक में, इसमें नहीं है तो जीरो नहीं है, और फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ये भी बात सही है। तो हम बोल सकते हैं बी और सी इज करेक्ट आंसर, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं आपके सामने, आगे देखते हैं, आगे हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक। क्वेश्चन नंबर फोर में रीड कर रहा हूं, आप साथ साथ देखते चलेंगे, फटाफट करेंगे आज क्वेश्चंस को। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी एंड ए बी एनी पॉइंट विद इन सी देन एफ ए। तो देखिए कौन सी थ्योरम लग रही है, फंक्शन एनालिटिक है अंदर पूरा और ए कोई पॉइंट है, मतलब इस तरीके से देखिए, गढ़वाल 2010 पे ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके से एक फंक्शन है जो एनालिटिक के अंदर और क्लोज कर्व में, ए कोई एनी पॉइंट है, देन एफ ए फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। तो ये कहीं ना कहीं किसको बोल रहा है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है। तो डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 πi एफ जेड डी जेड और जेड माइनस है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं मैं डायरेक्ट देखो प्रूफ साथ साथ दिखाते चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड इसलिए पकड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पूरी यूनिट कवर करनी है आज हमको, ठीक ना, हमारे पे टाइम पे ना आपके पास टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्या है, इफ एफ जेड जो फंक्शन है इज एनालिटिक इन डी, मतलब डोमेन जिसकी बात कर रहा है, एंड इट्स डेरिवेटिव, ध्यान दें डेरिवेटिव की बात आ गई, ठीक, एट एनी पॉइंट ऑफ जेड इक्वल टू ए ऑफ डी, मतलब उस डोमेन के अंदर के किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ध्यान दो, इसने अब लिख के नहीं दिया, पूछा फंक्शन एनालिटिक है और उसका जो डेरिवेटिव है किसी बिंदु पर ऑल्सो एनालिटिक देन इज गिवन, वो क्या होगा। तो देखिए डेरिवेटिव के लिए मैंने बताया था, डेरिवेटिव के लिए बताया था, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए 1/2 πi इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो नहीं सकता, क्यूब नहीं हो सकता, और चेक कर लेते हैं 1/2 πi आप चेक कर सकते हैं, 1/2 πi एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से काफी सारी चीजें हमारे साथ इस तरीके की आने वाली है जो डायरेक्ट थ्योरम बेस होंगी, क्योंकि स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि आज के भी मैंने कई पेपर देखे बहुत ही इजी आ रहे हैं, एमएससी लेवल के इतने इजी आ रहे हैं, बीएससी बहुत इजी था आज, जैसे अभी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं बस। लेट एफ जेड इज बी अ कंटिन्यूअस ऑन अ कंटूर सी ऑफ लेंथ एल एंड लेट एफ जेड इज लेस देन एम,
तो क्या कह रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी कंटूर में, किसी कर्व में सी, जिसकी लेंथ एल है और वो बाउंडेड है एम से। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ की तरफ को आ रहा है, एम और एल दोनों आ रहा है, तो ये किसकी तरफ को आ रहा है, ये आ रहा है एम एल इनइक्वालिटी की तरफ को। और यही मैंने पढ़ाया था कि ऐसा कि फंक्शन का लेंथ एल है कर्व का और एम से बाउंड है, तो जो फंक्शन की जो इंटीग्रेशन की जो बाउंडेडनेस होती है वो किससे दिखती है, एम एल से लेस देन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके का हमारा कुछ होने वाला है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी फाइनाइट रीजन देन एफ फंक्शन इज कॉल्ड। क्या बोला, अगर कोई फंक्शन हर एक फाइनाइट रीजन में, हर एक जगह एनालिटिक हो, तो ऐसे फंक्शन को बाउंडेड ना, कॉन्स्टेंट नहीं, एंटायर फंक्शन कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, तो दिख रहा है इसको हमने करेक्ट आंसर कह दिया है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है कि एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, मतलब ऐसा एंटायर फंक्शन वो बाउंडेड हो हर एक वैल्यू पे, देन फंक्शन इज, लॉ वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी हमने कि अगर एंटायर फंक्शन बाउंडेड हुआ तो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा। तो बी का ऑप्शन आ गया क्या, एट। तो इस तरीके से बहुत इजी होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन। तो हमने एट क्वेश्चन कर लिया, जल्दी से नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू आप देख रहे हैं, द वैल्यू इंटीग्रेशन निकालना है मोड डी जेड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि डी जेड की वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो, तो चलिए इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन डी जेड। तो इसको करने के लिए देखिए, इसको करने के लिए मैंने बोला वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर ले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। तो देखिए, इसके लिए आपको लाइन इंटीग्रल की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइन इंटीग्रल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लाइन इंटीग्रल क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, हमारी कोई इस तरीके से, उसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 to n एफ जाई के जेड के माइनस जेड के माइनस 1। ठीक, ये क्या होता है, फंक्शन के कुछ पॉइंट पे वैल्यू और थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ठीक, वो हम जब लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं इस तरीके से अगर हमारा कोई इस तरीके से कर्व है और यहाँ पर मेरा जेड जेड 0 है, फिर यहाँ जेड 1 है, फिर यहाँ जेड 2 है और फिर यहाँ जेड 3 है, और ऐसी ऐसी यहाँ ZN है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो ये छोटी छोटी दूरी, ये दूरी और इनटू वैल्यू, तभी तो ये फंक्शन की है, ये फंक्शन की वैल्यू और ये डिस्टेंस। ठीक, K में से उससे पहले वाला घटाना। ठीक, तो इन सबको जोड़ के हमारा क्या निकलता है, एक पूरा इंटीग्रेशन निकलता है। ये सारी चीजें जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तब ध्यान रखते हैं। ठीक, फिलहाल जो हम बताने वाले हैं, तो ये हमारी लाइन इंटीग्रल होती है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पे गिवन है या फाइंड करना है इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड। तो इस पे अगर मैं कंपैरिजन करूं, इस पे अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो एफ जेड का वैल्यू मेरे पे क्या निकल रही है, 1 निकल रही है। ठीक, चलिए, तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेशन को खोलते हैं, इस पे रख के, इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड इज इक्वल टू, तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 to n। ठीक, अब ये एफ जाई के जेड के माइनस जेड के माइनस 1, डिस्टेंस ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, एफ जेड में एक दे रहा, तो कोई भी जाई के रख, कोई भी पॉइंट रख लो, 1 ही देगा। सो एफ इसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है, 1। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 to n, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू जेड के माइनस 1।
ठीक। अब ये तो बन हो गया, ये बचा, इसको समेशन खोल देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसका समेशन मतलब k इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आने वाला है, देखो पहले आने वाला है जेड वन माइनस जेड जीरो प्लस, समेशन है तो सारे प्लस होते हुए चलेंगे इस तरीके से, लिमिट सबकी लगेगी। अगला जेड इक्वल टू 2 रखेंगे तो जेड टू माइनस जेड वन, ठीक, प्लस इसी तरीके से आगे चलेगा जेड एन माइनस वन, इस तरीके से आगे चलने वाला है, ठीक। अब जरा आप देखिए, लिमिट लेंगे अभी पहले बाद में, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, कैसे डिस्टेंस है, ये जेड वन से जेड टू सीधी डिस्टेंस है, बिल्कुल करेक्ट सीधी, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक। तो ये क्या होगी, ठीक, जीवा जिसे बोलते हैं, जेड जीरो से जेड वन तक की, ठीक, प्लस फिर क्या होगी, कर्ड होगी जेड टू से या जेड वन से जेड टू, ऐसे बोल सकते हैं, इस तरीके से सारी जुड़ जाएंगी, ठीक। तो ये छोटे छोटे जीवा जुड़ के क्या बना रही, छोटे छोटे जीवा जुड़ के क्या बना रही, आर्क बना रही, इसे आर्क की तो बोलेंगे, बहुत ही पास पास ये डिस्टेंस है, तो ये एक आर्क ही तो बनता जा रहा, तो क्या बनना है देखिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब बहुत करीब, और ये छोटे छोटे जीवा मतलब ये टुकड़े, आप देखे ना, देखिए दो के बीच में बहुत बहुत बारीक अंतर है, तो ये छोटे छोटे जुड़ के क्या बना रहा, आर्क, आर्क जेड जीरो जेड वन प्लस आर्क जेड वन जेड टू, इसी तरीके से सारे आर्क बन जाएंगे जेड एन तक, ठीक, आर्क बनेगा जेड एन माइनस वन से, ठीक। अब सब को छोटे छोटे सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हल्के हल्के छोटे छोटे सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो क्या बन जाएगा, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अनंत टुकड़े हैं छोटे छोटे, उन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ सी, ठीक, या लेंथ ऑफ आर्क सी यूं भी बोलते हैं, ऐसा भी बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क सी, ठीक, ये जो हमारा कर्व है उसकी लेंथ, तो इसकी वैल्यू ये होती है, ध्यान रखनी है, ठीक, ये लाइन इंटीग्रल से निकाली है, इसको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत सारी जगह ये काम आता है और बहुत बार भी पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आने वाले क्वेश्चन काफी इजी होने वाले हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो बहुत आसान पढ़ने वाले हैं, बट अगर हमने थोड़ा सा ज्यादा डीप जाने की कोशिश करी तो शायद आप अब कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं थोड़े अपने शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आप लोगों को इंटीग्रेशन तो करना आता ही है, तो कुछ नहीं करना है, जब आपको दिखा dz और आगे वेरिएबल भी z, टोटली z, dz और वेरिएबल भी z, तो डायरेक्ट क्या करो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, हमें क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन c z dz दिया था, मैंने इसका इंटीग्रेशन करा z स्क्वायर बाय 2, ठीक, और किसके अलोंग हुआ, c के अलोंग हुआ, और c क्या है, एक कर्व है a से लेकर b तक, तो c क्या है, देखिए z स्क्वायर बाय 2 ये इंटीग्रेशन करके आया, फिर c कर्व क्या है, a से लेकर b तक, लगा दो वैल्यू, अपर बाउंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हमारा, देखो 1/2 बाहर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अवर ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करा, इंटीग्रेशन करा, वैल्यू रखी, खत्म बात। इसी तरह से 11th वाला भी कर लेते हैं, छोड़ो, क्या है जेड डी जेड, कब लगाना है ऐसा तरीका, डी जेड है और आगे भी टोटली जेड का वेरिएबल है, तो फिर अगेन आएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस आई जेड डी जेड अलोंग करना है 0 से लेकर इसके, ठीक है, लगी है लिमिट, ठीक, तो होगा जेड स्क्वायर बाय 2, और कहां से कहां तक देखना है भाई, 0 से ये, या ये भी सेम लिखा है, अगर यहां कुछ ना लिखा होता तो ये लिखा होता, तो यहां से लेते वैल्यू जैसे इसे पर वाले में ली, 0 से 1 प्लस आई ले लेनी है, ठीक है, तो जेड का हो गया जेड स्क्वायर बाय 2, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 प्लस आई, जेड की जगह 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 2 करो सॉल्व, ए स्क्वायर बी मतलब आई का स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस 2 आई अपॉन 2, 1 से 1 गया, 2 आई से 2 आई गया, क्या बचा, ओनली आई बचा,
ठीक, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो बच्चे। ठीक, तो आई हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आई थिंक 12 तो आप खुद कर लेंगे, 12 आपके लिए होमवर्क है। यहाँ है वन का इंटरगेशन क्या होगा, जेड, और जेड में लिमिट लिखा होगा बी से ए तक, तो बी माइनस ए, इस तरीके से आपका आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है नी, तो काफी इजी था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक। अच्छा, 13 की बात कर लेते हैं, 13 वाले में थोड़ा सा हमें देखना है। तो 13 में क्या देखना है, तो देखिए, क्योंकि सर आपने तो बताया था ये तब करना है जब डी जेड हो और यहाँ जेड हो, बट यहाँ डी जेड की जगह क्या है सर, डी जेड की जगह है हमारा एक्स और वाई की टर्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए, मैं क्वेश्चन उतार ले रहा हूं पहले, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन दिया है 0 से 1 प्लस आई, और दिया है एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये दिया है हमें, बिल्कुल सही सर। ठीक, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन 0 से 1 प्लस आई तक। ठीक है, लिमिट है, दे रखी है। चलिए वैल्यू निकालते हैं हमें 0 से 1 प्लस आई पे। ठीक, तो वी नो हमें जेड बराबर पता है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ओके, डोंट वरी। डी जेड अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स प्लस आईटा डी वाई, ओके, नो मेंशन। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, स्टेट लाइन बोला है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अलोंग अ स्टेट लाइन, यहां से यहां तक जो स्टेट लाइन जा रही है ये कहां है, जेड इक्वल टू 0 यहां पर है, फिर 1 प्लस आई कहां है, 1 प्लस आई मतलब एक्स भी 1 वाई भी 1, तो कहां होगा, यहां होगा 1 प्लस आई। तो भाई इसमें ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जाया जा सकता था, ऐसे भी जाया जा सकता था, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बोलूं तो ऐसे भी जाया जा सकता था। तीन रास्ते हैं यहां जाने में। दोबारा देखो, रास्ता नंबर 1, मैं इसे बोल रहा हूं ओ ए बी सी, तो इसमें जाया जा सकता था ओ बी बी ए या ओ सी सी ए, ऐसा भी जाया, पर ये स्ट्रेट नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा जाना होता तो पहले इतना जाते प्लस ये इतना करते, ऐसे इसके लिए, बट हमें स्टेट पूछा है। हमें किसके लिए पूछा है, स्टेट मतलब ओ ए की बात कर रहे हैं। देखिए पेपर में ना जरा सा क्वेश्चन गलती पढ़ने से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अलोंग स्टेट लाइन जाना है, मतलब हमें जाना है किसके, अलोंग ओ ए। ठीक, स्ट्रेट लाइन, स्टेट लाइन, तो अलोंग स्ट्रेट लाइन हमें जाना है। तो देखिए, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, देखिए इस लाइन में वाई और एक्स इक्वल होते हैं, तो इस लाइन में वाई इक्वल टू एक्स होता है। ठीक, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो अब हमारा ये डी जेड क्या होने वाला है, डी जेड क्या हो जाएगा सर, सर डी जेड हमारा हो जाएगा, अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस आईटा डी एक्स, डी वाई की जगह रख दी, तो ये बस यहां से हमारी सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करना है, हमें ये पूरे को एक वेरिएबल पे बदलना है, या तो एक्स एक्स में बदल दो या वाई वाई में बदल दो। तो देखो, डी जेड को तो मैंने बदल दिया, किस में बदला सर, आपने डी एक्स प्लस आईटा डी एक्स में बदल दिया। कैसे, डी एक्स प्लस आईटा डी वाई होता है, डी वाई की जगह डी एक्स रख दिया, और वाई की जगह भी क्या लिख दो, एक्स। एक्स पहले से था, वाई की जगह भी क्या रखा, एक्स। कहां से आया ये इक्वेशन ऑफ ओए, ओए की इक्वेशन है ये। ठीक है, प्लस आईटा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, आईटा बाहर, ठीक, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और डी एक्स यहां पर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस आई। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आईटा इंटू 1 प्लस आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी भी कुछ चीज मिसिंग है सर, क्या, लिमिट मिसिंग है।
लिमिट क्या चलेगी। लिमिट मिसिंग इसलिए है क्योंकि देखिए अब आपने वेरिएबल कौन सा चलाया, ध्यान से समझना है, जोन सा वेरिएबल चलेगा, वेरिएबल बोल रहा हूं, जोन सा वेरिएबल चलेगा उसकी ही लिमिट चलेगी। तो देखिए यहां पर होता है 0.0 और यहां पर होता है 1.1, तो यहां पर x का वेरिएबल चल रहा, तो यहां पर x की लिमिट चलेगी, x की वैल्यू 0 से 1। दोबारा समझ लीजिए, जोन सा वेरिएबल पे आप बदल रहे हो, अगर यहां y पे होता तो y भी 0 से 1 सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट मैं समझा रहा हूं और किसी क्वेश्चन के लिए कि आपने अपने क्वेश्चन को जो दिख रहा है उसमें x y z थे, तो आपने क्या करा, z को भी x में बदला, y को भी x में बदला, तो सारी टर्म्स क्या हो गई, x में बदल गई। तो लिमिट भी x में बदलेगी, लिमिट x में बदलेगी मतलब जहां से जहां तक की हम निकालना चाह रहे हैं वहां से वहां तक x की मान रख दो, 0 से 1। तो देखिए 0 से 1 हल करते हैं, x क्यूब ये हो गया i के मल्टीप्लाई करी i माइनस 1, भाई आई से मल्टीप्लाई करी आई और आई स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया क्या, एक्स क्यूब बाय 3 और यहां पर अपर बाउंड और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, 1 रखेंगे तो 1/3, 0 रखेंगे तो कुछ भी नहीं, ये हो गया 1/3 इंटू आई माइनस 1। और क्या ये हमारे आंसर में मौजूद है, तो देखिए आई माइनस 1/3 ठीक है, आई माइनस 1 नहीं, तो ये ओवर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से है, गढ़वाल 2013 पे आया है, इंपॉर्टेंट तो हो जाता है अब ये खुद ब खुद, तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अब इसको करने का तरीका बिल्कुल सेम है सर, जेड के लिए है, जेड स्क्वायर है, बिल्कुल वैसे ही कर दो। सॉल्यूशन क्या सर, सॉल्यूशन करके बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है, फटाफट देखेंगे क्या है सर, इंटीग्रेशन 0 से 1 + i जेड स्क्वायर डी जेड, कुछ नहीं करना चेंज, जेड जेड में है तो इंटीग्रेशन करा जेड क्यूब आई 3 और लिमिट लगाई 0 से 1 + i, क्या हो गया 1 + i का होल क्यूब अपॉन 3, फिर 0 रखेंगे तो 0। अच्छा इसे ओपन कर लो, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ओपन करा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या हो गया माइनस आई होगा, भाई बी क्यूब मतलब आई का क्यूब, तो क्या आई का क्यूब मतलब आई स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 ए स्क्वायर बी ठीक प्लस 3 बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर तो 3 ठीक आई क्या होगा देखिए आई स्क्वायर ये हो गया। अब इसको अपॉन 3 क्या आया, सॉल्व कीजिए, आई से आई वाला गया तो क्या आया 2i बचा, 3i से ये होगा तो माइनस के 2 बचा अपॉन 3, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया ये बचेगा क्या i माइनस 1/3, तो देखो क्या आया, है कोई ऐसा i प्लस 1 तो है नहीं, ये रहा i माइनस 1, हाँ सही है भाई, आगे पीछे और के हैं बाकी तो सही है, 2/3 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके चलिए 15 देख लेते हैं, 15 भी बिल्कुल ऐसी है, जेड क्यू का हो जाएगा जेड की पावर फोर बाई फोर बिल्कुल ठीक। तो देखिए ये भी आप, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, क्या है होमवर्क ठीक, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ऐसी है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं,